बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? रमज़ान मुबारक। आज मैं बना रही हूँ रमज़ान की इफ्तारी में फूड चाट। बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। कोई ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। रोज़ा है जनाब, बातें करनी है। ये देखें जनाब, मेरे पास जितने भी फ्रूट्स थे, मेरे पास था खजूर पड़ी थी, मेरे पास था सेब, मेरे पास था माल्टा, अमरूद, केला और खरबूजे। मैंने इन सबको कट कर लिया है माशाल्लाह। देखिए बड़े प्यारे कलर हैं। और मेरे पास से जो ऑरेंज थे, मैंने उनका जूस निकाल लिया, बहुत ही सिंपल तरीके से निकला था। उसमें मैं चीनी शामिल कर रही हूँ एक कप। आप देख रहे हैं, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसमें मतलब खट्टापन और जूसी सा बहुत अच्छी चाट बनेगी। आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मस्त लगेगी। यह है चाट मसाला मेरे पास। ये मैंने 2 चम्मच डाली है, इसके बाद मैंने पूरा डाल दिया था। बहुत टेस्टी, बड़ी यमी सी बनती है। कोई नींबू नहीं डालना, कोई इसमें कुछ नहीं डालना। मतलब चाट हर तरह की अच्छी लगती है। क्रीम चाट भी अच्छी लगती है, वो भी मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है। और एक चाट मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, मतलब चटनी वाली, जो खुबानी की चटनी होती है ना, उसकी चाट वो भी मैं बनाऊँगी अंदर भी। लेकिन ये बहुत यूनिक है, बहुत टेस्टी, बहुत सिंपल है और बहुत ही ईजी सी, बहुत जल्दी से बन जाती है। तो आप लोग मतलब ट्राई कीजिएगा, बहुत क्विक रेसिपी है। मतलब आप रमज़ान है, मज़ाहिर सी बात है, बंदा इतना भी नहीं अभी इबादत करनी है हमने तो, और इतमाम भी करना है, तो ये उस लिहाज से बिल्कुल माशाल्लाह फंटास्टिक है। आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप डालिए। और मेरे पास फिलहाल यही अवेलेबल थे। अंगूर अभी आया नहीं है, आया है तो बहुत ही कॉस्टली है। और अनार भी नहीं था मेरे पास, अभी जब वो फ्रूट मेरे पास अवेलेबल थे भी मैंने वही डाल दिया। मुझे पसंद भी बहुत और बहुत मज़े का टेस्ट आया। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये सब कुछ मैंने मिक्स कर लिया था इसको। और इसमें हम डालेंगे जी एंड पे, ये मतलब ऑरेंज का जो हमने मिक्सचर बनाया था ना, लिक्विड चावल में, वो शामिल करेंगे। बड़ा ही टेस्टी बड़ी, उसको फ्रिज में रखेंगे। लेकिन बहुत टेस्टी इसका टेस्ट आया था, बहुत मज़े थी, जूसी जूसी सी थी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कैसी बनी। दुआ में याद रखिएगा, बहुत ज़रूरत है दुआओं की। रमज़ान का बहुत बाबरकत महीना है, दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और इस टाइम पे तो अल्लाह सबकी दुआएं सुनते हैं। तो आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा, मुश्किलें परेशानियाँ ख़त्म हों, सबकी परेशानियाँ सब कुछ खत्म हो। अल्लाह पाक अपने घर में अगले सारे हर मुसलमान को अल्लाह पाक अपने घर में अपने घर की ज़ियारत भी करवाएं और अल्लाह पाक वहाँ पर रोज़े भी रखवाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।